फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो ये 5 लीटर की फिनाइल की बॉटल होती है तो दो बॉटल को डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये पहली बॉटल है तो इसका ये ऊपर से मैंने इतना काट दिया है कटिंग करके, ये आसानी से कट जाता है। आप चाकू या कैंची किसी भी सहायता से काट सकते हैं। और ये अब देखिए, इसके चारों तरफ ये कोरिगेटेड पेपर है, इसको लगाऊंगी। तो ये मैंने ग्लू गन से ही चिपकाया है तो ये चिपक गया पूरा। इसके बाद देखिए, अब ये जो है ये मैं एक नीचे लगाना है मुझे इसके बेस के लिए। तो ये ब्राउन पेपर लिया है, ब्राउन पुट्ठा है पेपर का, और इसको इस तरह से कपड़ा लगाएंगे इसके ऊपर। तो मैं नीचे इस तरह से मैं करीब, ये देखिए इस तरह से ये नीचे लग गया। अब ये एक ऊपर है इस तरह से, ये ऊपर के लिए ढक्कन तैयार किया है। तो इस तरह से ढक्कन दो, उसमें एक केयर कॉरोगेटेड पेपर है, जो तो कॉरोगेटेड पेपर ऊपर में आएगा और नीचे में उसको लगाएगा। और ये है, ये अंदर में सबसे नीचे जाके अंदर में लगाएंगे। तो इस तरह से इनको सभी को इस तरह से कपड़ा लगा के और तैयार कर लिया है, इसे फिनिश हो जाता है। ये देखिए, और अब ये इसके अंदर मैंने इस कपड़े को अंदर चारों तरफ लगाया है। तो अंदर चारों तरफ लगा के, और ये देखिए इसको बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे इस तरह से फिट कर दिया। तो ये इस तरह से अंदर का पूरा वो पोर्शन कवर हो गया है। और अब ये बाहर जो कॉरोगेटेड पेपर है इसके ऊपर डॉक्यूपेज करूँगी टिश्यू पेपर से। ब्राउन पेपर देख रहा है जो, इस पर टिश्यू पेपर से डॉक्यूपेज करेंगे। डॉक्यूपेज के लिए फेविकोल प्लस उसमें वाटर मिला लेते हैं, तो उसको ये जो मौज पौज होता है या तो वो मंगवाएंगे या बाजार से, अदरवाइज इस तरह से कर लेंगे तो वो भी मौज पौज का ही काम देगा। और उसको देखिए इस तरह से लगा के, और फिर ये देखिए इस तरह से लगाना है। और पूरा ब्रश से हल्के हाथ से लेकिन दबाते हुए जो लाइंस है कॉरोगेटेड पेपर की उसके अंदर दबाते हुए पूरा उसको चारों तरफ लगा दिया। अब ये इसका जो ढक्कन है इसमें भी लगा रही हूँ, इसमें भी इसी तरह से दबाते हुए और हल्के हाथ से देखिए। और ऊपर से भी इसमें एक एक कोट मैंने किया है, इसमें भी किया है, देखिए ऊपर से भी एक एक कोट कर देंगे तो जिससे अच्छे से कहीं से भी छूटे नहीं, अच्छे से पकड़ ले ये जो कॉरोगेटेड पेपर में है उसको अच्छे से पकड़ ले। देखिए अभी इसमें नीचे और ऊपर ये वाइट रस्सी है, इसको ये नीचे रफ भी दिख रहा है और फिनिशिंग भी आ जाएगी उससे और अच्छा भी लगेगा। तो ये करीब 3-4 राउंड इसके लगाते हुए देखते हैं कितना ज़रूरत है, 3-4 राउंड इससे इसको लगाएंगे। और लगा के जो एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर है नीचे उसको हटा देंगे क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं, नीचे तो कपड़ा है ऑलरेडी। ये नीचे लगा दिया, अब ऊपर भी लगाएंगे, ऊपर भी कॉर्नर्स फिनिश, ऐसे तो फिनिश करेंगे फिर भी एक बार और, दोनों एक हारमोनी से बन जाती है, नीचे भी है ऊपर भी। तो 3-4 राउंड से देखिए ऊपर भी हो गए, ये अब ये जो ढक्कन है इस पर भी थोड़ा सा इसको 3-4 राउंड इसके भी घुमाएंगे, इस पर सब कुछ अच्छा सा फिनिश का दिखेगा और एजेस नहीं दिखेंगे। ये देखिए अभी सेंटर में इसके इस ढक्कन को पकड़ने के लिए देखिए, और इसके इस तरह से चिपका दिया, इस तरह से डोरी लगा दी जिससे इसको अच्छे से पकड़ ले, गिरे नहीं। इस तरह से ये देखिए, ये बहुत सुंदर एक ऑर्गेनाइज़र, चाहे आप इसको
कोई भी सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप स्टोरेज के लिए और ऑर्गेनाइजर जैसे यूज़ करें। तो ये बहुत सुंदर, आप चाहे तो इसी तरह से यूज़ करें, डस्टबिन के जैसे यूज़ करेंगे। अगर ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लॉस वार्निश है, इसको अच्छे से कर देंगे जिससे कि इसमें अच्छी थोड़ा शाइनिंग आ जाएगी और ये अच्छा दिखने लगेगा और थोड़ा और अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से पूरा चारों तरफ करके और फिर उसको सुखाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए वेस्ट चीज़ का कितना अच्छा यूज़ हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें आप कुछ भी जो चाहें, जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। और अब देखिए दूसरी बॉटल है, ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब दूसरी बॉटल है, दूसरी बॉटल को भी इसी तरह से काट के अलग किया है। ये जितना निकल जाए उतना निकाल देती हूँ, पूरा निकल जाए ज़्यादा अच्छा है, पूरा नहीं निकला है थोड़ा रह जाएगा। तो ये देखिए कितना कटिंग किया हुआ है। अब इसमें ये एक रेड कलर की डोरी है, अच्छी थिक मोटी डोरी है, डोरी क्या रस्सी है मोटी। तो ये देखिए इसमें नीचे तले से नीचे से लगाना शुरू करूँगी तो पूरा कवर होगा और ये बहुत सुंदर और बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। देखिए देखिए इस तरह से तुरंत तुरंत घुमाते जाएंगे और चिपकता चला जाएगा। पूरी ही मोटी को चारों तरफ से कवर करना, तो नीचे से शुरुआत की है मैंने, ये रेड कलर की मोटी रस्सी लगाई है। अब ये दूसरी रस्सी लगाऊंगी जो वो मल्टी कलर में है। ये देखिए इसमें बहुत सारे कलर हैं, रेड भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है, ब्राउन, ऐसे कई कलर हैं इसमें। तो इसको भी ऐसे इसके चारों तरफ लगा देंगे, इसमें लगाते जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए यहाँ तक लगा दिए और अब वापस दो तीन राउंड ऊपर के लिए। और ये देखिए इस तरह से ये पकड़ने के लिए छोड़ते हुए हैंडल जैसे, ये देखिए इस तरह से। से देखिए ये ऊपर दोनों तरफ इसके हैंडल जैसे बना दिए हैं पकड़ के उठाने के लिए। और ये पूरा बहुत सुंदर, चाहे तो आप इसको डस्टबिन जैसे यूज़ करें, चाहे तो इसको ऑर्गेनाइजर कोई भी सामान रखने के लिए, चाहे तो आप उसको प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांटर की तरह भी यूज़ हो सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि अंदर इसमें प्लास्टिक है और अंदर डाल के कुछ भी साफ करेंगे बाहर से साफ ही जाएगा। तो उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल वेस्ट चीज़ से और बहुत सुंदर चीज़ बन के तैयार हुई है। अब इसमें कुछ और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलरफुल, देखिए कितनी सुंदर कलरफुल डोरी है, जो रस्सी है, और बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए बहुत सुंदर बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
ये देखिए बहुत सुंदर बनके तैयार हुआ। आप भी ट्राई करें, आप भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।